कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा नीलमाधव धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री सीताराम कृष्ण जी की जय श्री श्री गौर निताय जी की जय श्री श्री प्रहलाद कृष्णदेव भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जी निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते उपेशगोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो हरे कृष्णा सारे भक्तजनों का फिर से स्वागत करते हैं आज के सत्र में जिसका शीर्षक है महाजनों ये न कथा सपंथा अर्थात फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज जो श्रृंखला पिछले कई सत्रों से चली आ रही है उसका हम आगे बढ़ाएंगे आज लेकिन आज आज के सत्र में थोड़ा सा हालांकि
विषय तो वही है लेकिन थोड़ा अलग सा पहलू देखेंगे इसका, जो कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है हमारे लिए, खास करके ये जो पिछले तीन चार हफ्तों से और अभी आगे गौर पूर्णिमा तक हमारे संस्था इस्कॉन में काफ़ी कुछ इस विषय में चर्चा हो रही है, तो हम उन्हीं का अनुचरण करते हुए इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो कि आज के विषय से भी मतलब ओवरऑल विषय से संबंधित ही है। तो ये महाजनों ये ने कथा से पंता में, तो कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि बहुत महापुरुषों और आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव का दिवस मनाया गया था, जो शुरू हुआ था अद्वैत आचार्य के आविर्भाव से, जो कि कुछ तीन हफ्ते पहले शुक्ल पक्ष के सप्तमी में था। उसके बाद दूसरे वैष्णव संप्रदाय के जैसे रामानुजाचार्य का तिरोभाव, मध्वाचार्य का तिरोभाव और साथ साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी तिरोभाव उसी समय हुआ था, और भगवान के अवतारों का भी उस समय की गणना में वराह द्वादशी भी उसी समय आता है। तो बहुत ही मंगलमय और शुभ दिन है ये जो गुजरे हुए हैं, और आने वाले दिनों तक जो गौर पूर्णिमा तक आएंगे उसमें भी कई आचार्यों और महापुरुषों का तिरोभाव या आविर्भाव दिवस आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे दिनों ऐसे अवसरों का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए जब ऐसे महाजनों का जो आविर्भाव तिरोभाव होता है उन दिनों में। खास करके कहा जाता है कि वे जो महाजन हैं वो अत्यधिक करुणामय होते हैं, करुणामय तो हैं ही वो, लेकिन ऐसे दिवसों पर वो और भी अधिक करुणामय हो जाते हैं, जो हमारे बिना करुणा के हम हमारे भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे महाजनों की करुणा की हमें बहुत आवश्यकता है, भक्तों की करुणा की बहुत आवश्यकता है, तो ऐसे दिनों का हमें इस तरह से लाभ उठाना चाहिए कि हम उनके विषय में करें, उनके बारे में सुने, उन्होंने अपने जीवन में भक्ति किस तरह से निभाया था ये हम जाने, हमें जो सीख दी है उसे हम हमारे जीवन में उतारें। तो इसी श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में, जो इस विषय के बारे में आजकल इस्कॉन में भी बहुत चर्चा हो रही है। हमारे जो महागुरु गुरुवर्य हैं इस्कॉन में, वे भी यही चर्चा कर रहे हैं, तो हम उन्हीं का अनुचरण करते हुए इस विषय में, जो कि आज के विषय से संबंधित है, महाजनों ये नगथा सपनता, उस विषय में आज के सत्र में थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये बात है कि हमें ये मालूम चलना चाहिए कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो है इसका इतिहास क्या है, किस तरह से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना हुई थी। तो हम जानते हैं इतिहास, अगर हम शास्त्रों से पुराणों से देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि अगर हम 2000 साल पहले जाएं तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से भगवान का अवतार लेके भगवान बुद्ध भगवान के रूप में आए थे, क्योंकि उस समय करीब 2500 साल पहले की बात है, जब उस समय जो ब्राह्मण गण और अलग जो लोग थे वो वेदों और शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे थे, और वेदों शास्त्रों में जो यज्ञ के बारे में कहा गया है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ या अलग अलग तरीके के पशुओं का जो पशु हत्या यज्ञ के रूप में जब की जाती थी तो उसका दुरुपयोग करते हुए वो अपने आत्मतृप्ति के लिए, नॉट आत्मतृप्ति नहीं करे, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मांस खाने के लिए वो ऐसे यज्ञों का दुरुपयोग करने लगे। तो जब उसी लिए बुद्ध भगवान उस समय अवतरित हुए ये सब रोकने के लिए, तो उन्होंने जो शिक्षा दी उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने ये शिक्षा दी कि वेदों का भी कोई अनुकरण नहीं करना चाहिए, कोई वेदों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में, क्योंकि उस समय लोगों की स्थिति ऐसी थी कि वो वेदों का इस तरह से बुरा दुरुपयोग कर रहे थे, क्योंकि बुद्ध भगवान उसको बंद करना चाहते थे। तो उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया और ये कहा कि ये सब जीव हत्या जो है ये एकदम बहुत बड़ा पाप है, तो इसलिए हमें वेदों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उस समय के तात्कालिक स्थिति के अनुसार उन्होंने ऐसा प्रचार किया, उसका भी एक कारण था। और तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बुद्ध भगवान का फिर तिरोभाव हो गया, तो उसके बाद बौद्ध धर्म इस तरह से फैला पूरे जगत में, भारत में तो काफ़ी फैला ही था लेकिन बाकी देशों में भी फैलने लगा, तो बौद्ध धर्म में। लेकिन एक एक चीज जाने लायक कि उनका जो दर्शन है बौद्ध दर्शन, उसे शून्यवाद कहा जाता है।
शून्यवाद अर्थात शून्य। शून्यवाद का मतलब यह है कि वो उनके दर्शन में आत्मा का कोई स्थान नहीं है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। उनका है कि जब शरीर का अंत हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, शरीर के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। यही बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का प्रचार है। तो बौद्ध धर्म में तो इसका प्रचार इतनी तेजी से हुआ कि सब जगह बौद्ध धर्म फैल गया और सब लोग नास्तिक बन गए। इसलिए हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का जो है वो हमेशा नास्तिकवाद से उसका ताल्लुक किया जाता है, क्योंकि वो वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं और आत्मा आत्मज्ञान पे भी उनको विश्वास नहीं है। उनके उनके दर्शन में इसका इसके विषय में कुछ चर्चा नहीं की जाती। तो वो ये समझते हैं कि सब शून्यवाद है अर्थात निर्वाण। निर्वाण का मतलब कि शरीर खत्म हो गया तो सब बंद हो, भस्म हो गया, सब नष्ट खत्म हो गया। तो यही उनका दर्शन है। और इस दर्शन की वजह से क्या हुआ कि नास्तिकवाद बहुत बुरी तरह से फैल रहा था। तो जब नास्तिकवाद इस तरह से फैल रहा था तो भगवान ने सोचा कि मेरे एक बहुत महान भक्त को इस जगत में भेजना चाहिए, वही है जो इस नास्तिकवाद को भगाकर वापस आस्तिकवाद की स्थापना कर सकता है। तो इस चर्चा में हमने कुछ सत्रों पहले शिव जी के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा है कि शिव जी जो है हमेशा जब इतनी कठिन परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां इस जगत में आती हैं तो हमेशा वो आगे आके सेवा करते हैं। इसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से हमें भी यही भावना लानी चाहिए हमारी भक्ति में कि हमें सेवा से कभी पीछा हटानी चाहिए कोई भी कठिन परिस्थिति, और कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का निमित्त मात्र हूँ, एक निमित्त बन के मैं सेवा करना चाहता हूँ, कि हालांकि मैं अपने बलबूते पर नहीं कर रहा हूँ, भगवान की करुणा और भक्तों की करुणा के बल पर कर रहा हूँ। तो ऐसा शिव जी जो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि किस तरह से जगत का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने सामने आकर इस सेवा को स्वीकार किया। बहुत ही मुश्किल सेवा है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि वो तो इतने शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, भगवान के परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु कहा गया उन्हें। तो उनको जब आप सोचिए कि एक परम वैष्णव को ये कहा गया कि आप कहा जाए कि आप नास्तिकवाद को हटाने के लिए केवल निर्विशेषवाद की प्रचार कीजिए अर्थात इम्पर्सनलिज्म जो मायावाद है, माया क्योंकि क्या वो आप सोचिए कि शून्यवाद से लेके शून्यवाद को हटाने के लिए एकदम से अगर भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति को अगर स्थापना की जाए तो बहुत मुश्किल है लोगों को एक्सेप्ट करना। इसलिए भगवान की भी ये योजना थी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर आप गणित सीख रहे हैं स्कूल में, विद्यालय में गणित सीख रहे हैं, तो गणित गणित का भी अलग अलग स्तर होता है। एकदम से मतलब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स शुरू के कक्षाओं में नहीं सिखाया जाता, धीरे 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 वो लेवल क्रॉस कर करके जब उच्च कोटि में उच्च शिक्षा में आते हैं, हाई स्कूल में आते हैं, तब आपको कठिन कठिन से विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। एकदम से वो जैसे कैलकुलस हुआ, कैलकुलस का टॉपिक जो है वो शुरू में बताया नहीं, समझ पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो धीरे 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 करके जो फाउंडेशन जो है वो मिलने के बाद फिर 11th 12th कक्षा में फिर वो कैलकुलस का टॉपिक आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर भगवान के स्वरूप की भक्ति अर्थात वैष्णविज्म का अगर को एस्टैब्लिश करने के लिए अगर डायरेक्टली भगवान ने अगर ऐसा प्रचार किसी को भेजा होता करने के लिए तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि सब शून्यवाद की तरफ जा रहे थे। तो शून्यवाद से लेके थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मायावाद का प्रचार हुआ। तो मायावाद का प्रचार का भी यही कारण है कि भगवान ने किस तरह से शिव जी को शंकराचार्य के रूप में भेजा कलयुग के आरंभ में, जब कलयुग के आरंभ में नहीं, जब 2000 साल पहले जब बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हो रहा था, तो उसका एक कारण यह था कि किस तरह से बौद्ध धर्म का यहाँ से नाश हो जाए, बौद्ध धर्म को निकाल दिया जाए, अर्थात नास्तिकवाद को हटा के वापस आस्तिकवाद की स्थापना करने के लिए मात्र उन्होंने मायावाद का प्रचार करने के लिए कहा। तो उन्होंने ये कहा, तो उनका ये दर्शन है शंकराचार्य का कि आत्मा वास्तविक है, वेद भी वास्तविक है, वेद गलत नहीं है, वेद के जो ज्ञान है वो एकदम सही है। लेकिन उनका प्रचार इस तरह से था कि वो आत्मज्ञान और आत्मा, उन्होंने ये प्रचार किया कि आत्मा जो है वो एक है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, सब एक है। इसलिए शून्यवाद से अर्थात शून्य से एक पे आए, जीरो से वन, तो एक लेवल ऊपर। तो बौद्ध धर्म जो है वो शून्यवाद है और मायावाद जो है वो निर्विशेषवाद है, अर्थात सब एक है, अर्थात भगवान, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है। इसलिए वो दरिद्र नारायण, सुशीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं दरिद्र नारायण,
कि जो भी जो गली में बैठा है, जो भी बैठा, सब भगवान है क्योंकि सब एक है। तो ये प्रचार शिव जी ने किया और बहुत ही कठिन सेवा थी उनकी, क्योंकि उनको पता था कि भगवान की मायावाद जो दर्शन है वो एकदम गलत है। इस विषय में पद्म पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है जो शिव जी पार्वती माता को कहते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्छते, अर्थात वो कहते हैं कि असत शास्त्र है। तो कहाँ, उन्होंने खुद ही कहा है, ये पद्म पुराण में आता है, ये मायावादी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको कि जब हम कहते हैं कि माया, क्योंकि मेरा एक दोस्त था ऑफिस में, वो बहुत ही शंकर का कट्टर, एकदम कट्टर फॉलोअर था वो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए पद्म पुराण में ऐसा आता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन के कारण आए, बोले एक्चुअली वो भक्त हैं, वो शिव जी हैं, इतने परम वैष्णव हैं, लेकिन वो भगवान का एक सेवा करने के लिए आए थे और उसके बाद चले गए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते थे कि मायावाद का प्रचार हो, लोग मायावाद को फॉलो करें, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने पद्म पुराण का श्लोक भी कोट किया था, लेकिन बहुत मुश्किल है उनको एक्सेप्ट करना कि शंकराचार्य सही नहीं है, तो दर्शन सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, पद्म पुराण में ये श्लोक आता है कि मायावादम असत शास्त्रम, जो भगवान शिव जी खुद ही कहते हैं कि ये असत शास्त्र है, ये वास्तविक शास्त्र नहीं है। सो असत शास्त्रम, लेकिन इसका कारण क्या है इसका प्रचार करने का, ये बहुत प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, अर्थात ये एक एक तरीके का बौद्ध धर्म ही है, क्योंकि ये क्योंकि जो धर्म भगवान के वास्तविक स्वरूप का की गणना नहीं करता है वो तो असत शास्त्र ही हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म को भगाने के लिए किया गया है। प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार बंद करने के लिए ये किया गया मायावल। और वो कहते हैं कि मयैव निहिताम देहि कलौ ब्राह्मण मूर्तिना, अर्थात मैं इसका प्रचार करने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में कलयुग में आऊंगा, और वही शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य का प्रचार बहुत जोर जोर से चला, हम जानते हैं कि मायावाद का प्रचार इतने इतना जोर 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 से हुआ कि पूरे भारत में फैल गया वो मायावाद का प्रचार। अब भगवान की योजना थी कि अब मायावाद बौद्ध धर्म तो निकल गया है, तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म उसके बाद भारत से हटकर बाकी बाकी कंट्रीज में गया, जैसे हमारे इस एरिया में, जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ, ऐसे जगहों में फैल गया फिर बौद्ध धर्म। भारत में बहुत कम ही है बौद्ध धर्म, क्योंकि मायावाद का प्रचार के वजह से वो बौद्ध धर्म वहां से निकल गया था। तो मायावाद का प्रचार भी इतने जोरों से हुआ कि सब जगह शंकराचार्य की दर्शन का भी स्थापना हुई, आज भी बहुत पावरफुल है मायावाद दर्शन। तो इसको अब भगवान की योजना थी कि अब आस्तिकवाद की स्थापना तो हो गई है, सब लोगों को वेदों पर विश्वास तो हो गया है, लेकिन वास्तविक तत्व, वास्तविक जो उसका सार जो है वेदों का, वो अब प्रचार करने का समय आ गया है कि अब लोगों को कम से कम वेदों पे तो विश्वास हो गया है अभी, और आत्मज्ञान की का आत्मा आत्मा है वो, उसका भी ज्ञान हो गया है कि शरीर नहीं है, क्योंकि वेदों में यही कहा गया है। लेकिन वास्तविक जो है उस आत्मा की स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ये तो वेदों में अंदर छुपा हुआ है, ये सब ये गुह्य है, बहुत ही गुह्य विषय है। तो इसको बाहर लाने के लिए हमें बहुत ही शक्तिशाली आचार्यों की आवश्यकता है। तो ये भगवान ने सोचा कि फिर उन्होंने सोचा कि चार वैष्णव संप्रदायों की स्थापना की जाए चार आचार्यों के द्वारा। तो इस तरह से वैष्णव संप्रदाय इस जगत में का अवतरण हुआ। तो सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय में आए थे श्री रामानुजाचार्य, जो कि शंकराचार्य के जाने के बाद आए तुरंत, कभी करीब हजार हजार साल पहले, एग्जैक्टली 1000 साल पहले, अभी 3 साल पहले, 5 साल पहले उनके हजार हजारवें एनिवर्सरी का उद्घाटन बहुत जोरों शोरों से मनाया गया था पूरी पूरे भारत में और विश्व भर में भी, श्री रामानुजाचार्य के 1000वें आविर्भाव दिवस का। तो 1000 साल पहले वो आए थे और उन्होंने इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम है श्री संप्रदाय, जो कि लक्ष्मी जी से ही आता है। और श्री संप्रदाय में भी मैं तो वास्तविक ज्ञान का प्रचार हुआ है, जिसमें कि भक्ति को सबसे उच्च माना गया है, और भगवान की भक्ति अर्थात विष्णु और उनके अलग अवतारों की आराधना के बारे में बहुत जोरों से प्रचार हुआ रामानुजाचार्य द्वारा पूरे भारतवर्ष में, खास करके दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचार हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि श्री वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही अच्छी तरह से स्थापना हुई है, उनकी मंदिरों की पूजा बहुत अच्छे से चल रही है, हमारे भक्त भी वहाँ जाते हैं, खास करके हमारे पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा जब जाते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा संबंध है श्री संप्रदाय के आचार्यों के साथ, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा गौड़ीय संप्रदाय और श्री संप्रदाय का। तो श्री संप्रदाय की स्थापना इस तरह से हुई,
और उसके बाद रामानुचार्य के जाने के बाद, तो रामानुचार्य जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत। तो जब शंकराचार्य आए उसका नाम था अद्वैत, अद्वैत मतलब एक, उसमें कोई द्वैतवाद नहीं है, सब अद्वैत, सब एक है, द्वैत अद्वैत। और जब रामानुजाचार्य, तो उन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना की, इसका नाम है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का मतलब है कि गुण में एक है लेकिन गणना में अर्थात क्वांटिटी में अलग है। लेकिन उसके बारे में उन्होंने ज्यादा एम्फोसाइज नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि भगवान अलग है और जीव अलग है, लेकिन उनमें जो गुण है वो एक है, विशिष्ट अद्वैत अर्थात गुणों में एक है, ये इसकी स्थापना की। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से वो स्तर बढ़ता रहा है, ग्रेजुअली बढ़ता है, एकदम सडनली नहीं बढ़ता है। इसके बाद आए मध्वाचार्य, जो भी एक बहुत ही शक्तिशाली आचार्य हैं, हनुमान जी और भीम के ही अवतार हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली, मतलब शारीरिक स्तर पर भी बहुत शक्तिशाली थे और आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इसके पहले एक चीज मैं बोलना छोड़ गया, ठीक है, बाद में, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य भी बहुत, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से वैष्णविज्म का प्रचार किया, उन्होंने भी द्वैतवाद की स्थापना की और भी ज्यादा बलशाली रूप में, जहाँ पे रामानुजाचार्य छोड़ के गए थे उसको आगे और भी आगे बढ़ाया। द्वैतवाद में उन्होंने ये स्थापित की कि भगवान परम पुरुष हैं और हम जो हैं वो साधारण जीव हैं, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, तो द्वैत हमेशा द्वैत। इसलिए आप देखेंगे मध्वाचार्य का कभी चित्र देखेंगे तो हमेशा वह ऐसे ऐसे रखते हैं वो दो हाथ को, इसका मतलब ये है कि दो हैं, अर्थात एक तो जीव है और एक भगवान है, और भगवान ही परम पुरुष हैं। तो इसकी स्थापना उन्होंने की बहुत जोरों शोरों से, और मायावाद को इस तरह से उन्होंने भगाया, इस तरह से उन्होंने पराजित किया मायावाद दर्शन का। वो हमेशा बहुत ही इस विषय में बहुत ही वो खास तौर पर ध्यान दिया करते थे कि किस तरह से मायावाद शास्त्र को इस जगत से भगाना है, किस तरह से उसे उसके प्रभाव को रोकना है, अर्थात क्योंकि अगर मायावाद दर्शन अगर स्थापित हो गया तो भक्ति तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाषा सुनी लो होए सर्वनाश, अगर हम उनके दर्शन को सुनेंगे ज्यादा तो हमारा भक्ति का भी नाश हो जाएगा। तो इस विषय में उन्होंने खास ध्यान दिया मध्वाचार्य ने, उन्होंने काफी मायावाद शास्त्र का विरोध किया, अलग अलग जगहों में जाके जब उनकी टिप्पणियों वो अपनी टिप्पणियां देते थे और तर्क वितर्क होते थे उसमें, हमेशा वो मायावाद शास्त्र को हमेशा वो पराजित करते थे जहां भी जाते थे, तो यात्रा में जाते थे। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मायावाद शास्त्र को हटाने में, हमारे भक्ति मार्ग में ना आने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की इसकी। तो द्वैतवाद की स्थापना इस तरह से उन्होंने की। और इसके बाद तो मध्वा संप्रदाय जो है वो ब्रह्मा जी के परंपरा से जुड़ता है, हमारा भी ब्रह्म मध्वा संप्रदाय में भी आता है, लेकिन गौड़िया संप्रदाय के बारे में मैं बाद में कहूंगा, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है गौड़िया वो भी ब्रह्म मध्वा संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है। और फिर तीसरा और चौथा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, अर्थात शिवजी के द्वारा जो संप्रदाय आता है उसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और जो चार सनत कुमार हैं जिनके विषय में भी हमने चर्चा की इस टॉपिक में, तो उनके द्वारा जो संप्रदाय आता है उसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। और रुद्र संप्रदाय में आए श्री विष्णु स्वामी जो कि आचार्य थे इस संप्रदाय के, और कुमार संप्रदाय में आए श्री निंबार्काचार्य। तो उन्होंने भी इस तरह से आगे वैष्णविज्म को आगे बढ़ाया, जहाँ पे कि मध्वाचार्य छोड़ के गए थे उसको और आगे बढ़ाया, और खास तरह से राधा कृष्ण भक्ति के बारे में उन्होंने प्रचार किया कि किस तरह से राग भक्ति अर्थात नैसर्गिक भक्ति जैसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशन, नेचुरल डिवोशन जो है उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, ना कि साधना भक्ति पर ज्यादा नहीं जोर दिया, रागानुगा भक्ति पे ज्यादा जोर दिया, और ये भी स्थापित किया कि राधा कृष्ण जो है उनकी भक्ति सबसे उच्च है। और इन सब चारों संप्रदाय के जाने के बाद फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु उनका अवतरण हुआ और वहां से गौड़िया संप्रदाय का आरंभ हुआ। और गौड़िया संप्रदाय की ये खास बात है, ये एकदम उत्कृष्ट स्तर पर है सारे संप्रदाय के। हम ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम गौड़िया संप्रदाय के अंग है, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया ऑलरेडी कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उच्च उच्च कोटि पर है। इसके बारे में इसका कारण क्या, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने क्या किया, जो वो भगवान ही है, तो उन्होंने क्या किया कि सारे संप्रदायों का निचोड़ लेकर गौड़िया संप्रदाय में उन्होंने इसको स्थापित किया। जैसे कि हर संप्रदाय से उन्होंने दोनों दो दो विषय लिए, तो उन्होंने श्री संप्रदाय से जो रामानुचार्य का संप्रदाय है
उनसे दो विषयों को अपने संप्रदाय में जोड़ा जो कि है अनन्य भक्ति और वैष्णव सेवा। ये चीज दो चीज हम देखते हैं श्री संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, और किसी के पीछे नहीं, केवल भगवान के पीछे ही, भगवान के ही भक्ति करते हैं और किसी की नहीं। और वैष्णव सेवा रामानुज संप्रदाय में देखते हैं कि वैष्णव सेवा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते थे, और उनके अनुयायी भी जो हैं उन्हें भी उन्होंने भी उनको भी उन्होंने यही शिक्षा दी कि वैष्णव सेवा जो है हमारे भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से वैष्णव सेवा को अपनाया और इसे इतना महत्वपूर्ण अंग माना है हमारे संप्रदाय में, ये तो हम जानते ही हैं। भगवान बिना भक्त, हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि भगवान की सेवा के सेवा से ज्यादा जो है वैष्णव सेवा भगवान को अति प्रिय है। इसके अलग अलग उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं भागवत में और अलग अलग जगह पे किस तरह से भगवान को जो है वैष्णव सेवा अधिक प्रिय लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति में, और ये बहुत ही आसान तरीका भी हमारे हमारे लिए भगवान के पास जाने का बहुत ही आसान तरीका है कि भक्तों की सेवा करें, क्योंकि भगवान के पास सीधा जाने का हमारा जो हमारी हमारे कोई गुण नहीं है, हमारी स्थिति भी नहीं है कि भगवान की हम डायरेक्ट सेवा कर सकें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा भक्तों के द्वारा ही हम भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। तो वैष्णव सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस ओर जाने के लिए। फिर मध्वा संप्रदाय से उन्होंने दो विषय को अपनाया अपने संप्रदाय में। सबसे पहला था केवल अद्वैत निरसना, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से मध्वाचार्य ने बहुत ही उत्तेजित होकर मायावाद दर्शन को पराजित किया। तो हमेशा वो केवल अद्वैत निरसन अर्थात नष्ट करना मायावाद को, इस विषय को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय में अपनाया। और दूसरा चीज मध्व संप्रदाय जी क्या लिया बोलिया वो है नित्य कृष्ण मूर्ति सेवा, अर्थात डेटी वर्शिप जिसे कहते हैं। डेटी वर्शिप हमारे हमारा भी हमारे संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनफैक्ट हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो जगत के सबसे सब मंदिरों से, मतलब दूसरे मंदिरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही परफेक्ट जो होती है वर्शिप जो है हमेशा 365 दिन 2400 घंटे हर दिन, कभी भी हॉलीडे नहीं होता है। हमेशा देखेंगे तो कितनी सुंदर तरीके से भगवान की मूर्ति की पूजा हो जाती है, पूजा की जाती है, और कितने सुंदर तरीके से बहुत ही स्वस्थ रूप से सब कुछ रखा जाता है, मतलब स्वच्छ रूप से रखा जाता है, मतलब बहुत ही क्लीन होता है टेंपल, ऑल्टर, मंदिर भी इतना साफ सुथरा होता है कि देख के ही लोगों को आकर्षित हो जाते हैं, मतलब इस मूर्ति पर मूर्ति के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं और भक्ति में मतलब भक्ति में लग जाते हैं केवल मूर्ति के दर्शन से ही, भगवान के दर्शन से ही। तो ये जो अंग है ये चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से अपनाया, नित्य कृष्ण मूर्ति सेवा। हम देखते हैं कि मध्वाचार्य के जीवन में भी किस तरह से उन्होंने उडुपी में इतनी सुंदर व्यवस्था की, पूजा की, कि आज भी वो व्यवस्था जो उन्होंने 1000 साल पहले उसकी व्यवस्था की थी आज भी वो उसी तरह से चल रही है। जो 8 मठ की स्थापना की उन्होंने, और हर मठ जो है दो दो साल में उडुपी श्री कृष्ण मंदिर की पूरी व्यवस्था को संभालता है, पूजा विधि सब कुछ संभालता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, और हर 2 साल में वो उन्होंने ऐसा किया कि एक मठ को जो है अधिक लगाव ना हो जाए और नो ऐसा नहीं लगे कि मैं मेरा मठ ज्यादा बड़ा है, ऐसा लगे। इसलिए उन्होंने 2-2 साल के बाद वो मठ को रोटेट करते रहे, वो 2 साल की सेवा के बाद दूसरे मठ पे जाता है, उसके बाद दूसरे मठ पे, तो हर 16 साल के बाद वापस उस मठ को फिर मौका मिलता है कि भगवान की सेवा करने में, मूर्ति की सेवा करने में। तरह से बहुत सुंदर व्यवस्था की स्थापना की उन्होंने, और ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने अपनाया। फिर रुद्र संप्रदाय में जो विष्णु स्वामी जिनके प्रचारक हैं उसमें से दो अंगों को अपनाया, वो है तदीय सर्वस्व भाव, अर्थात शरण करने का जो भाव है, सर्वस्व भाव अर्थात तदीय सर्वस्व अर्थात सब कुछ भगवान पे अर्पण करना, भगवान को और भक्तों पे अर्पण करना, सरेंडरिंग एवरीथिंग, इस बहुत सुंदर भाव को उन्होंने अपनाया। और यही हम देखते हैं कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने शरणागति को इतना उच्च माना, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर रचनाएं की शरणागति के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत हमेशा कहते थे इसके बारे में, जो शरणागति के 6 अंग हैं हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भाव है ये उन्होंने रुद्र संप्रदाय से अपनाया। और दूसरा जो अंग अपनाया उन्होंने उसे है राग मार्ग, अर्थात नैसर्गिक भाव से जो भगवान के ऊपर आकर्षित होना, नेचुरल अफेक्शन जिसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, राग मार्ग। और ये जो है हम जानते हैं कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी जो है वो रागानुगा भक्ति पे उनका उनका सबसे उनके हम सब रूपानुगा कहलाते हैं,
श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब रूपानुगास हैं जो रूप गोस्वामी के पदचिन्हों में चल रहे हैं। तो ये भी महाजनों, ये ना कथा से पता ही हुआ कि वो भी महाजन है, उनके पदचिन्हों में हम चल रहे हैं। तो राग मार्ग और तदीय सर्वस्व भाव जो है, ये जो दो अंग हैं वो रुद्र संप्रदाय से अपनाया। फिर सबसे अंत में जो है कुमार संप्रदाय, जिसमें कि निम्बार्काचार्य आते हैं, और निम्बार्काचार्य के इस संप्रदाय से दो जो अंग अपनाए चैतन्य महाप्रभु ने वो है एकांत राधिका रस, राधिका श्रय। जैसे मैंने कहा कि श्रीमती राधा रानी, इसके पहले तक किसी को पता नहीं था कि राधा रानी का आराधना क्यों की जाती है और भगवान कृष्ण राधा का संबंध क्या है। तो ये सबसे पहले कुमार संप्रदाय में आया और इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अपनाया, बहुत जो कि हमारा आधार है, राधा कृष्ण प्रेम और राधा कृष्ण की जो सेवा है और उनके भक्तों की जो सेवा है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ये बहुत ही एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव, और गोपी भाव के बारे में भी हम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, रम्या काचित, जो कहते हैं कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता, श्रीमद भागवतम पुराण ममलम प्रेम पुमार्थु महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राधरो ना परह। सो चैतन्य महाप्रभु का मत है कि जो गोपी भाव जो है, उनकी जो आराधना है, उसे हमें हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज जी रिसेंटली लेक्चर सुन रहा था मैं, उसमें कह रहे थे कि जो गोपी भाव है, हमें उसे भाव को अपनाना चाहिए, गोपियों को, गोपी को अपनाना नहीं चाहिए, गोपी भाव को अपनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, गोपी गोपी जैसे हम वो सहजीय भाव में चले जाते हैं जो कि बहुत ही आर्टिफिशियल है और उसमें कोई भक्ति नहीं है। तो महाराज जी इसके बारे में कह रहे थे कि गोपी भाव को अपनाना चाहिए, और गोपी भाव का मतलब क्या है, आराधना पूरी तरह से जो है, हम सर्वस्व त्याग करके हमारे मतलब अनन्य भक्ति से भगवान की और भक्तों की सेवा करें, ये है गोपी भाव, जिस तरह से उन्होंने खुद अपने जीवन में हमें सिखाया है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका इसकी कीर्ति इतनी जोरों से की कि गोपी जो भक्त गोपी की जो भक्ति है वो सबसे उच्च कोटि की है। और हमेशा वो कहते थे कि गोपी भर्तु पद कमल योर दास दासानुदास, उनकी उनके स्वरूप के बारे में वो कहते थे कि वो है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, अर्थात मैं गोपियों की जो सेवा कर रहे हैं उनके भी, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके भी सेवा करने मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं उनके सेवक के सेवक के सेवक का सेवक हूँ। तो ये हमारी वास्तविकता है कि ये हमें यही इसी भाव को अपनाना चाहिए कि हमें हमेशा कभी भी सीधा राधा कृष्ण की सेवा नहीं, उनके भक्तों के द्वारा हम उनकी सेवा करें, ये भाव होना चाहिए, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। सो ये जो भाव है, ये सब चीजों, ये सब अंगों को चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव में समय अपनाया, और इसीलिए गौड़ीय वैष्णव को सबसे उत्कृष्ट स्तर मिला है। ये हमारे जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, और ये जान के हमें गर्व भी होना चाहिए, दिव्य गर्व भी होना चाहिए कि हम किस परंपरा में हम शामिल हैं, किस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, इसका स्तर सबसे उच्च कोटि का है। तो सारे वैष्णव संप्रदाय में सबसे उत्कृष्ट, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे वैष्णव संप्रदाय को नीचा माने, नहीं ऐसा नहीं, सभी वैष्णव संप्रदाय बहुत ही अच्छे हैं और बोनाफाइड है, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि वो बोनाफाइड हैं सभी संप्रदाय। लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो विशेषता है कि वो सभी वैष्णव संप्रदाय के जो दर्शन है उसको सब मिला के एकजुट बनाकर जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की, अचिंत्य भेद भेद तत्व, तो जो अचिंत्य भेद भेद तत्व है ये सबसे बड़ा फिलॉसफी है। सो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि अचिंत्य भेद भेद तत्व जो है ये सारे वैष्णविक दर्शनों का सार है, और इसका कंक्लूजन यही है, इसके आगे कुछ और नहीं है, इसके आगे कोई और दर्शन नहीं है, यही सबसे बड़ा दर्शन है। और इसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व का मतलब है कि एक तरह से भगवान और हम एक हैं और अलग भी हैं, और यही सिद्धांत हम देखेंगे कि शुरू से जब निर्विशेषवाद का प्रचार हुआ और आगे चलकर विशिष्ट अद्वैत और द्वैतवाद की स्थापना हुई, इस सब का मेल जोल करके जो दर्शन है वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जिसमें कहते हैं कि गुणों में हम और भगवान एक हैं, लेकिन गणना में अर्थात क्वांटिटी में, शक्ति में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तुच्छ हैं, हम छोटे जीव हैं और भगवान परम पुरुष हैं, हम एकदम तुच्छ जीव हैं। तो ये है वास्तविकता में अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, एक एक हम गुण में एक हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है, अंतर है दोनों में, भगवान हमेशा भगवान है और जीव हमेशा जीव ही है। तो इसीलिए जीव और भगवान के बीच में भक्ति का संबंध है कि हम भगवान इतने परम पुरुष के प्रति भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, इसीलिए हमें आना चाहिए।
भगवान सबसे परम पुरुष हैं और हम तुच्छ हैं और हम उनके नित्य दास हैं, उनके भक्तों के नित्य दास हैं। तो ये जो है ये दर्शन केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के द्वारा ही आता है और यही इसके उत्कृष्ट होने का कारण है। और भी कई चीजें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो कि कहने लायक है। एक तो है कि जो शास्त्र है हमारे वो सबसे उच्च कोटि के शास्त्र श्रीमद् भागवतम, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, कि इससे इस अमल पुराण है ये, इसके आगे कुछ नहीं है। और हाँ, हमारे गुरु महाराज हमेशा इस श्लोक को हमेशा दोहराते थे वो लेक्चर्स में, लेक्चर्स के दौरान, कि ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो चैतन्य मंजुष में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो चैतन्य महा, जिसमें ये सिद्ध हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, कि वो स्वयं चाहते हैं कि हम सब भागवत का पाठ करें, भागवत का श्रवण करें, भागवत के अनुयायी बने। और यही हमारे गुरु महाराज ने इसी को एक्सेप्ट किया अपने हृदय में और हमें सबको यही दिया है कि किस तरह से भागवत का प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले भागवत को हमारे जीवन में लागू करना चाहिए और उसका आगे फिर उसका प्रचार करना चाहिए। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु का सार है, यही चैतन्य महाप्रभु ने, यही चाहते थे चैतन्य महाप्रभु कि किस तरह से भागवत धर्म का प्रचार करें। और जब तक हम भागवत पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसे हमें जीवन में लागू नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रचार कर सकते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हमें और कुछ नहीं करना चाहिए, भागवत का श्रवण पाठ और हमारे जीवन में उसको लागू करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो यह है बहुत ही योगदान चैतन्य महाप्रभु का है इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना में और इतने अच्छा सिद्धांत को हमारे देने के लिए। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा में हम देखते हैं सबसे, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के पहले माधवेंद्रपुरी जी आए थे। और माधवेंद्रपुरी के बारे में क्या कहना है, इतने महान भक्त हैं जिनके जो यश हैं वो उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका अलग ही विषय है ये चैतन्य माधवेंद्रपुरी के बारे में कहना। तो माधवेंद्रपुरी जो है ऐसा कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी ने जो एक्चुअली जो दीक्षा ली थी वो मध्वा संप्रदाय से ली थी। तो मध्वा संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत जो है वो माधवेंद्रपुरी से कहा गया है। क्योंकि सबसे पहले राधा कृष्ण प्रेम, अर्थात कृष्ण प्रेम क्या है, ये पूरे जगत में उन्होंने सबसे पहले लाए। इस तो हमेशा हम जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी के जीवन में देखते हैं किस तरह से वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन थे, हमेशा भगवान की चिंतन में रहते थे वो, हमेशा हमेशा उनके बारे में, उनका जनाम जप करना, उनकी सेवा में लगे रहते थे। कितनी सेवा की उन्होंने अपने वृद्धावस्था में भी, इतनी सेवा की कि वृंदावन से लेकर, गोवर्धन से लेकर वो जगन्नाथपुरी गए थे केवल वो चंदन लेने के लिए, क्योंकि तो गोपाल जी ने उन्हें कहा था कि चंदन लगाना है मुझे मेरे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। तो केवल उस सेवा के लिए वो सब कुछ छोड़कर, हमारे गुरु महाराज की भी याद आती है उसके बारे में, जिस तरह से उन्होंने द्वारका में सब मंदिर स्थापना के बाद वो एक दिन एकदम छोड़ के चले गए, अब ये छोड़ के हम इससे लगाव नहीं होना चाहिए, अब आगे जाके राजकोट में मंदिर बनाएंगे। तो यही भाव होता है भक्तों का कि किसी चीज़ों से लगाव नहीं होता है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी अब कंफर्टेबल हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। नहीं, हमेशा वो और अग्रसर सेवा में लगे रहते हैं, किस तरह से और सेवा कर सकूँ बिना अपने शरीर की चिंता किए, बिना शारीरिक अवस्था की चिंता किए। तो माधवेंद्रपुरी भी ऐसे थे कि उन्होंने, उनको वो चाहते तो वहाँ रह सकते थे आराम से, कि उन्होंने मंदिर की स्थापना की, गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना की, वहाँ की पूजा पूजा विधान की सबकी स्थापना की, वहाँ पे सारे भक्तों को लगाया सेवा में। तो वो चाहते थे वो आराम से रह सकते थे, वो अपनी सेवा करवा के आराम से रह सकते थे वहाँ पे रिटायर्ड लाइफ जैसे। लेकिन जैसे ही उन्होंने, उनको आदेश मिला कि भगवान को बहुत गर्मी लग रही है, उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए मुझे जगन्नाथपुरी से चंदन लाना है, तो एक इमीडिएटली वो छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं कि वो कुछ दिन यहाँ रह के आराम करके जाएंगे, ऐसा नहीं, तुरंत उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। और पहले पहले जमाने में तो कुछ व्यवस्था भी नहीं थी, वहां से पैदल चल के आना था, तो महीनों पैदल चलकर वो आए। और हम जानते हैं कि उनकी लीला में किस तरह से रेमुना में वो सुंदर लीला हुई, और बाद में गोपाल जी ने उन्हें स्वयं कहा कि आपके सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, आप रेमुना में ही रहिए, अब वापस आने की जरूरत नहीं है, इस वृद्धावस्था में आप रेमुना में गोपीनाथ जी को लगाइए चंदन और मुझे चंदन अपने आप मिल जाएगा। तो क्योंकि मैं और गोपीनाथ अभिन्न है, तो मूर्ति मूर्ति सेवा में ये हम जानते हैं कि भगवान और मूर्ति अभिन्न है, तो इसका भी दर्शन हमें पता चलता है इस लीला में बहुत सुंदर। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो इसकी जो स्थापना हुई गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की, मतलब प्रैक्टिकल रूप में सबसे पहले मध्वेंद्रपुरी ने किया था। तो उनके द्वारा ही हमें पता चला कि कृष्ण भक्ति क्या है, राधा कृष्ण की पोजिशन क्या है, राधा और कृष्ण का संबंध क्या है, हमें क्या करना चाहिए सेवा में, ये सब माधवेंद्रपुरी ने अपने जीवन से सिखाया। और बाद में जो संप्रदाय में आगे ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु और फिर अद्वैता आचार्य नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने जिन्होंने
माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी, तो ईश्वरपुरी के साथ साथ, तो ये इन्होंने सब इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इस भक्ति का जो बीज है, सीड, वो माधवेंद्रपुरी है। तो माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहले इस बीज, भक्ति रूपी बीज को इस जगत में लेके आए वो, और उन्होंने बीज को बोया, और जब बीज बोकर जब बड़ा वृक्ष आया तो वो वृक्ष है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वो वृक्ष हैं, और वृक्ष की जो बहुत ही मुख्य शाखाएं हैं वो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु। और इनके विषय में हमने अभी कहा था कि इनके भी आविर्भाव की अभी अभी गुजरा है, उनके आविर्भाव भी जिनका आविर्भाव सब जगह बहुत ही मशहूर तरीके से मनाया गया, जैसे अद्वैत आचार्य का आविर्भाव और नित्यानंद त्रयोदशी, तो उनके बारे में भी चर्चा हमने सुनी होगी, उनके बारे में, उनके यश के बारे में कि किस तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, अद्वैत आचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कि भगवान के अवतार ही हैं लेकिन वो भक्तों के रूप में आए थे। और ये भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें पंचतत्व का बहुत सुंदर वर्णन आता है कि किस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, कृष्ण भगवान स्वयं है जो भक्तों के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके साथ साथ उनके विस्तार भी भक्त के रूप में ही आते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु। सो ये तीनों जो है ये भगवान के अवतार की गणना में आते हैं, और साथ साथ भक्तों की गणना में, भक्त बन के ही आते हैं लेकिन जो दूसरे जो भक्त हैं, जो जीव तत्व के गणना में आते हैं, वो है श्रीवास ठाकुर, जो कि भक्त के रूप में आते हैं और भक्त और जीव का स्वरूप है, और भगवान की शक्ति का स्वरूप अर्थात आंतरिक शक्ति का जो स्वरूप है राधा रानी, उसका रूप लेकर आते हैं क्या कहते हैं उनका नाम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पंडित, सॉरी। सो गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। तो इस तरह से जो पंचतत्व जो है वो अलग अलग मुद्दों का प्रचार करते हैं, किस तरह से कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारे संप्रदाय की सबसे विशेषता है, गौड़ीय संप्रदाय की, जो पंचतत्व के रूप में आते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। तो इस तरह से अलग अलग आचार्य आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, इन सब के बाद फिर परंपरा षट गोस्वामी इसको आगे बढ़ाते हैं। और षट गोस्वामी के बारे में क्या कहना, हमारी पूरी परंपरा ही उनके करुणा पर ही आधारित है, खास करके रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी और सारे षट गोस्वामी, लेकिन खास करके श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हम रूपानुगास हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, जिन्होंने इतने अधिक शास्त्र हमें दिए हैं, इतने उन्होंने कठोर तप किए हमारे लिए। वृंदावन में महाराज कहते थे कि वो एक पेड़ के नीचे दो दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, इतना उन्होंने कठोर तप और इतने कष्टों का अनुभव किया, किस लिए कि वो अपने ग्रंथों को लिख सके और हमारे लिए दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी, हम इतने मूर्ख हैं, हमारी बुद्धि इतनी तुच्छ है कि हम सीधा साधा तो समझेंगे नहीं सब, तो सब उसको ग्रंथों में डालकर हमारी हमारे प्रति इतनी करुणा के कारण उन्होंने ये सब किया। तो षट गोस्वामी जो है वो उन्होंने भी इतना प्रचार किया, और आगे चल के षट गोस्वामी के बाद भी जो है मुख्य आचार्य आते हैं, तीन आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। अभी कुछ दिन पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी आविर्भाव या तिरोभाव मुझे याद नहीं है हुआ था, उसकी भी हमने उस समय चर्चा की, उन्होंने उनके बारे में सुना होगा हमने सब, कि नरोत्तम दास ठाकुर भी कितने महान आचार्य हैं, कितने जोरों जोरों से उन्होंने भी प्रचार किया था कृष्ण भक्ति का, और वो जीव गोस्वामी और षट गोस्वामी के अनुयायी हैं, खास करके जीव गोस्वामी के, उन्होंने भी आगे बढ़ाया भक्ति को, हर जगह फैलाया उन्होंने, इतने सुंदर भक्ति भक्तिमय भजनों की रचना की उन्होंने। नरोत्तम दास ठाकुर के भजन तो बहुत ही सुंदर भजन है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर और भजनों को गाना चाहिए हमेशा, क्योंकि इनके भजन जो है, जो पूरा भागवत जो है, भागवत का संग्रह उसमें है, प्रेम, पूरे प्रेम भक्ति से भरा हुआ है वो, उनके जो गीत हैं, भजन जो है भक्तिमय गीत, तो बहुत ही सुंदर भजन है उनके। तो इस तरह से हमें नरोत्तम दास ठाकुर के भी आभारी हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और आगे चल के और आचार्य आते हैं, फिर आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र हुए, फिर भक्ति चरण सरस्वती ठाकुर, जो दो दिन पहले उनका भी आविर्भाव, कल उनका भी तिरोभाव आविर्भाव दिवस था, उनका भी अपीयरेंस डेट है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो पिछले तीन चार हफ्ते जो हैं बहुत ही मंगलमय दिवस हैं, और आगे चलकर अभी हम गौर पूर्णिमा का भी, गौर पूर्णिमा भी आने वाली है, जो कि बहुत ही महान
उत्सव है हमारे परंपरा में, वैष्णव संप्रदाय में। तो जो पूरा जो ये महीना है बहुत ही मंगलमय है, और इस समय हमें चाहिए कि और हम भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, ऐसे ऐसे महान भक्तों के बारे में चर्चा करें और उनसे प्रार्थना करें कि कृपा करके आप करुणामय होए, हमें थोड़ी सी भक्ति मिल सके आपके आपके जैसे, थोड़ी सी आपके जैसे तो नहीं, मतलब उसका एक अंश भी हमें प्राप्त हो जाए तो हम हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि किस तरह से उनके बारे में और सुने, श्रवण करें, क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय है। भगवान जो है हमेशा भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनको और अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है कि अपने भक्तों के बारे में सुनकर, क्योंकि वो इतने करुणामयी हैं कि हमेशा वो भक्तों को आगे बढ़ाते हैं, भक्तों के प्रचार, भक्तों के यश आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है इतना उत्कृष्ट है कि हमें इतना सबसे टॉप मोस्ट जो है दर्शन मिला है अचिंत्य भेद भेद तत्व का, और साथ साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है, खास तौर पर हरिनाम संकीर्तन, जो कि वैष्णव संप्रदाय में संकीर्तन का महत्व है, लेकिन हमारे हम जानते हैं कि गौड़ी वैष्णव में हरिनाम संकीर्तन कितना महत्व है, और इसी का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, ये श्लोक आता है भागवत में, कि किस तरह से वो केवल इसी उद्देश्य से आए कि किस तरह से संकीर्तन का प्रचार करें, और कलयुग का यही धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और हरिना हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो कि दूसरे संप्रदाय में उतना महत्व नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप उतना जप नहीं करते हैं, नाम जप वो करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र खास करके हम शास्त्रों से जानते हैं कि ये सब, ये जो षोडश षोडश नाम मंत्र है ये सबसे उच्च मंत्र है, महामंत्र, इसलिए महामंत्र कहा गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसे हमको दिया है, मुफ्त दिया है, इसका कोई भाव नहीं है, इसे कोई पैसे नहीं लगते हैं खरीदने के लिए। एक ही भाव है कि किस तरह से हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम नाम जप करें, वही एक प्राइस है इसका, वही इसका भाव है, और कुछ नहीं है। हमें इच्छा होनी चाहिए कि किस तरह से नाम जप करें, तो यही चैतन्य महाप्रभु ने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया सबको मुफ्त में, कि आप इसका नाम लीजिए और अपने उद्धार कीजिए। तो ये भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और जिसे इसे और उत्कृष्ट बनाता है। और साथ साथ जैसे मैंने कहा, शास्त्रों का भी हमें बहुत अच्छा अच्छे शास्त्र मिले हुए हैं, भगवद्गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, जो कि जिसमें सब कुछ है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ये तीनों ग्रंथ जो हैं हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, और खास करके श्रीमद् भागवतम, क्योंकि चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत में भी कोई फर्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु महाराज कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत भागवतम का भागवतम इन प्रैक्टिस है चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भागवत, वो खुद भगवतम का प्रचार करते हैं, भगवान ही है खुद स्वयं, तो वो भगवतम का प्रचार वो नहीं करेंगे तो और करेगा, और कौन करेगा। तो पूरा चैतन्य चरितामृत भगवत भागवत भागवतम ही है एक तरह से देखा जाए, किस तरह से वो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कैसे किया है भागवतम का, वो भी चैतन्य चरितामृत भागवतम से अभिन्न है। तो इस तरह से हमें बहुत ही अच्छे शास्त्र मिले हैं जिसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए हमारे जीवन में, और हम कृतज्ञ कृतार्थ हैं श्रील प्रभुपाद के कि उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ हमें दिए हैं, इतने अच्छे से अलग अलग भाषाओं में, जो कोई भी भाषा बात करता है उसे वो मिल सकता है उस भाषा में, और अंग्रेजी, और अंग्रेजी में तो है ही, तो इतना इजीली अवेलेबल है हमको ये, इतना प्रेशर जो है, ये जो है इतनी अमूल्य वस्तु है, हमें इतने आसानी से मिला हुआ है, तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि कितने कितने हम फॉर्चुनेट हैं, कितने हम भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं, हमें हमेशा हमेशा ये सोचना चाहिए, हमेशा हमें इस श्रद्धा भाव से रहना चाहिए, कभी भी श्रद्धा को हमें खोना नहीं चाहिए कि हमारा जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जो है, कभी कभी जो शुरुआत में जब मैं आया था इस भक्ति मार्ग में, तो मुझे लगा था ये तो बंगाली, ज़्यादा लोग बंगाली बात करते हैं, बंगाली भजन है, मुझे तो बंगाली आती नहीं है, तो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो मैंने सुना भी नहीं था कभी पहले, इस मोमेंट में आने के पहले तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ सुना नहीं था हमने, पता भी नहीं था मुझे तो चैतन्य महाप्रभु नाम के कोई महापुरुष हैं करके। तो शुरू शुरू में होता है कि कभी ऐसा लगता है कि नहीं तो कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो साउथ इंडिया से हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे साउथ इंडियन सिस्टम ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब जिस तरह से हम आगे कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना अच्छा शास्त्र, इतने अच्छा संप्रदाय है कि इसमें कोई शारीरिक तरीके में, शारीरिक स्तर पर जो कोई अंतर नहीं है कि ऐसा कोई आदमी ही कर सकता है, इस प्रदेश का आदमी है, ये भाषा बात करने वाला आदमी कर सकता, नहीं, सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन दूसरे संप्रदाय में हम नहीं देख सकते हैं इतना एक्सक्लूसिविटी, थोड़ा एक्सक्लूसिव है वो, जो श्री संप्रदाय में ज़्यादातर आप देखेंगे साउथ इंडियन से रहेंगे, इस तरह से अलग अलग संप्रदायों में, लेकिन गौड़ी वैष्णव संप्रदाय देखेंगे कितने हर 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 देश से लोग,
हर नेशनलिटी के लोग हैं वहाँ पे, 140 जो देश हैं पूरे दुनिया में, सब जगह से रिप्रेजेंटेशन है और सब जगह एक ही चीज, सब चीज़ एक ही फॉलो कर रहे हैं, सब हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग भाषाओं में कर रहे हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, सब वही सिस्टम फॉलो करते हैं, सुबह मंगल आरती, संसार अदावा, गुरु पूजा, तुलसी पूजा, फिर शाम को गौर आरती, सब एक ही चीज़ फॉलो करते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का, ये उनकी विशेषता है कि सबको उन्होंने एक साथ लाया है, और यही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड जैसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ये वास्तविकता है। और इससे हम ये समझता है, समझ में आना चाहिए कि ये भौतिक स्तर के ऊपर है, ये जो है ये आध्यात्मिक है, इसीलिए सब कुछ सब सबको एक, सबके लिए एक जैसा है ये, इसमें कोई भौतिकवाद नहीं, भौतिकता नहीं है उसमें, सब आध्यात्मिक स्तर पर है। इसलिए हमारे शरीर के जो अलग अलग विशेषता है उसके उससे उससे परे है ये, उसके ऊपर आधारित नहीं है ये, शरीर के परे है, तो आत्मा के स्तर पर है ये, इसलिए ये सबके लिए लागू है और सबके लिए एक जैसा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमें भी प्रेरणा मिलती है जब देखते हैं कि फॉरेनर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छी तरह से सीरियसली कर रहे हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा हमारी ये तो हमारी संस्कृति है, हमें तो और अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है, वो गिफ्ट पास होकर फाइनली प्रभुपाद जी के पास आया। और प्रभुपाद जी ने क्या किया कि भारत के बाहर जाकर जो है जो इस सिद्धांत की स्थापना की, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, कि वो एक बाकी जो आचार्य थे वो भारत भारत में ही थे, लेकिन एक प्रभुपाद ही हैं श्रील प्रभुपाद जो जिन्होंने इसे लेकर बाहर गए, वो उन्होंने एक्चुअली वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु की जो आशा थी उसको पूरा किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते नगर आदि गांव सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम, तो वो चाहते थे कि सारे पृथ्वी भर में उनका नाम प्रचार हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत भर में, भारत में प्रचार हो, सारे पृथ्वी में उनका प्रचार हो, और ये श्रील प्रभुपाद ने ही सिद्ध किया। और श्रील प्रभुपाद ने सिद्ध किया अपने गुरु परंपरा की करुणा से, जो कि उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त किया। हमेशा वो श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी थे रूपानुगा, और हमेशा उनकी प्रार्थना करते थे, और उन्होंने उनको श्री रूप गोस्वामी का पर्सनल ब्लेसिंग भी मिला था, वास्तविक रूप में उनके उनके सामने उनका वो आए, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको आपकी आपका प्रचार सफल हो, और इस तरह से उनको जो आशीर्वाद मिला था, और वो आशीर्वाद जो परंपरा में आया भक्तिनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके द्वारा फिर श्री प्रभुपाद जी को ये प्राप्त हुई, और उन्होंने सारे विश्व भर में इसका प्रचार किया। और आप देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत वास्तविकता में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ना कि वो किसी भौगोलिक जगह की सीमा में सीमित हो, सब जगह फैला हुआ है। और हमारा यही इस संस्था में होने के कारण हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी बने, हमें गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करें, हम भी हमारे सीमित स्तर पर इसका प्रचार करें और लोगों को इसका सिद्धांत, सबसे पहले हम ये समझे कि ये सिद्धांत सबसे ऊंचा है, और उस विश्वास पे, उस दृढ़ विश्वास पर हम इसकी और अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी चर्चा को यहीं रोकूंगा। आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत पेशेंटली सुना, और किसी को कुछ कमेंट्स है तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा। मनोहर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद बोल रहे मनोहर प्रभु, हैं प्रभु। आपने इतना अच्छा बताया प्रभु, इतना संक्षेप, इतना डिटेल में बताया सब कुछ, और पूरी परंपरा के बारे में हमारा मतलब कि गौड़िया वैष्णव परंपरा, जितने वैष्णव परंपरा है शंकराचार्य से लेके सारे चीज सिस्टमेटिकली आपने बताया, तो ये इससे बहुत मतलब कि दिमाग खुलता है कि ये जो है बहुत हमारे भारतवर्ष का ये बहुत अच्छा कल्चर है, ये मतलब भारतवर्ष से ही सीमित नहीं है, ये पूरे ग्लोब से या पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड का ये कल्चर है। और हम जैसे जीव हैं, हमारा कर्तव्य होता है जो कि भौतिक चीज में व्यस्त हैं, हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम इस संस्कृति को अपनाएं, और ये बहुत बड़ी संस्कृति
संस्कृति है, जैसे कि संगीत की संस्कृति होती है, घराना होता है, उस तरह से ये स्पिरिचुअल घराना है। हम लोग तो ये बहुत भाग्य से मिल गया है, तो इसे मतलब बहुत संभाल के रखना है और हमें बहुत अच्छे से इसका पालन करना है। और आपने कहा कि गौड़िया वैष्णव संस्कृति खास करके बहुत ही श्रेष्ठ है, और आपने ये भी सिद्ध किया कि मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग आ गए इसलिए, क्योंकि ये भगवान से बहुत निकटतम है, और वो जो भाव है वो जो है गोपी भाव, जो कि बहुत ही मतलब कि भौतिकता में रहते हुए हम ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें बस ये समझना चाहिए कि हमें सुबह मंगल आरती में उठना है, मतलब तप करना है। तो ये महाराज जी ने हम लोग को बहुत अच्छा आसानी से समझा दिया है, और आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, मतलब कि बहुत ही डेंस मटेरियल था, बहुत आपने बहुत तेजी से, मतलब तेजी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में समझाया, तो धन्यवाद। थैंक यू प्रभु फॉर योर काइंड वर्ड्स। और किसी को कुछ तो अब हम ये लेक्चर, ओके सॉरी ब्रो सॉरी, यस मैं और किसी कुछ 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 नो नो प्रॉब्लम ब्रो जी, नहीं 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 आप कुछ नहीं, मैं देख रहा था कुछ किसी का कुछ सवाल है क्या। यस सो और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट डिवोटीज, उसमें आज हमारी जो पूरी की पूरी गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसके बारे में प्रभु जी ने आज हमें समझाया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापिस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वंशकल्प द्रुभ से कृपा से पिता नाम पावन वैष्णव नमो नमः। जय।